हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन पे। आज हम आप सब लोगों के लिए लाए हैं बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021 फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी का सोल्यूशन पेपर, जिसका पेपर अभी अभी हुआ है। बुकलेट नंबर बी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं देखना। क्वेश्चन नंबर एक है, पालक गेहूँ एवं अन्य खाद्यान्न फसलों में चूना प्रेरित क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है? आंसर नंबर ए होगा इसका, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर दो है, मक्का में सफ़ेद कल का रोग किसकी कमी से होता है? आंसर नंबर सी, जिंक की कमी से। क्वेश्चन नंबर तीन है, बहाक अवधारणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर नंबर होगा ए। क्वेश्चन नंबर चार है, पीत एंजाइम को इस नाम से भी जाना जाता है? आंसर नंबर होगा इसका बी, विटामिन बी टू। क्वेश्चन नंबर पाँच है, किसके कारण बरसात में दरवाजे फूल जाते हैं? आंसर नंबर इसका डी होगा, एविवेशन। क्वेश्चन नंबर छः है, स्टोमेटा रात के समय खुलते और दिन के समय बंद होता है? इसका आंसर नंबर होगा बी। क्वेश्चन नंबर सात है, एक तत्व जो रंध्र गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह कहते हैं, वह है ऑप्शन नंबर होगा इसका सी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर आठ है, बिंद सुराव किसके द्वारा होता है? इसका आंसर नंबर होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नौ नंबर, जड़ और दलहनी के सिरों का तेजी से खराब होना किसकी कमी से होता है? इसका आंसर नंबर होगा सी, कैल्शियम की कमी से। क्वेश्चन नंबर सोलह है, दस नंबर, IAA संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व तो आवश्यक है? इसका आंसर नंबर होगा जिंक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कई फलों और सब्जियों की ताज़ा उजागर सतह काली क्यों हो जाती है? इसका आंसर नंबर होगा डी, चाकू से लोहे के अंश की उपस्थिति में टैनिक एसिड का ऑक्सीकरण उन्हें काला कर देती है। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा तत्व न्यूक्लिक एसिड फास्फोलिपिड्स ATP, ADP और NADP में सामान्यता होता है? इसका आंसर नंबर होगा सी, फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल तनाव में संकेत के रूप में किया जाता है? इसका आंसर नंबर होगा उपयुक्त सभी, आपेक्षिक जल क्षमता, रंध्र चालकता, पत्ती का तापमान, आलादि इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य उदय के ठीक पहले पत्ती के पानी की क्षमता का रिकॉर्ड करना संकेत कर सकता है? इसका आंसर नंबर होगा आलाप दीजिए वो। क्वेश्चन नंबर 15 है, फसल संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया के दौरान जल के प्रकाश अपघटन से संबंधित तत्व है? इसका आंसर नंबर होगा मैग्नीशियम, आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा एक अजैविक तनाव नहीं है? आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, पक्सिनिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोशिका झिल्ली के तत्वों के सक्रिय परिवहन के लिए आवश्यक होता है? आंसर नंबर इसका होगा ए, ATP। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोलिब्डेनम किसका घटक है? आंसर नंबर इसका बी होगा, नाइट्रेट रिडक्टेज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेग हीमोग्लोबिन किसकी गतिविधि की रक्षा करता है? आंसर नंबर बी, नाइट्रोजिनेज। क्वेश्चन नंबर 20 है, निकोटियानामाइड और NAA का अग्रदूत है? ऑप्शन नंबर बी होगा, टायरोसिन। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अवशोषित होता है? आंसर नंबर बी, लाल। प्रतिक्रिया ऑक्सीजन प्रजाति प्रमुख सिग्नलिंग अणु है जो प्रतिक्रिया की अवधि में उन्नत होता है? इसका आंसर नंबर होगा ए, जैविक तनाव। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, 23 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉनों के चक्रीय प्रभाव में फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा स्वीकार किए जाते हैं? इसका आंसर जिस किसी भाई को पता हो तो वो कमेंट कर दे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 24 है, पानी के प्रकाश अपघटन द्वारा फेरिसाइनाइड का फेरोसाइनाइड में अपचयित होना कहलाता है? आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाश संश्लेषण में आत्मसात करने की शक्ति है? आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है, फेराडॉक्सिन तत्व है? आंसर नंबर इसका होगा
PSI का, PSI फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 27 है, C3 पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला पहला स्थित यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी 3PGA। क्वेश्चन नंबर 28 है, पौधे के बढ़ने और अपना जीवन चक्र एक ऐसे माध्यम पर पूरा करने की क्षमता जिसमें उच्च घुलनशीलता नमक होता है जिस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सहनशीलता के रूप में। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्रेज प्रकार का शरीर रचना विज्ञान किसकी पत्ती में पाया जाता है। आंसर नंबर बी C4। क्वेश्चन नंबर 30 है, गन्ने में CO2 स्वीकर्ता है। आंसर नंबर इसका होगा डी। क्वेश्चन नंबर इकतीस है नमक सहिवाण फसलें अपने जीवन चक्र को किसके संतुलन के साथ बनाए रखती हैं। आंसर नंबर इसका होगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूखे की स्थिति में पौधे अधिक जमा करते हैं। आंसर नंबर उपयुक्त सभी इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 है, पौधे में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में किस रूप में संचित होती है। आंसर नंबर ए होगा ATP के रूप में। क्वेश्चन नंबर 34 है, हेज और स्कैग चक्र नहीं पाया जाता। आंसर नंबर होगा सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रकाश श्वसन का सब्सट्रेट है। इसका आंसर नंबर होगा वी, ग्लाइकोटेलेट। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्रेज चक्र में एक प्रतिक्रिया किसके बीच में 6 कार्बन यौगिक के निर्माण के साथ शुरू होती है। आंसर नंबर इसका होगा वी, ऑक्जेलिक एसिड तथा एसिटिक एंजाइम ए। क्वेश्चन नंबर है 37, क्रेज चक्र में एंजाइम एबोनिटेज के लिए आवश्यक खनिज उत्प्रेरक है। आंसर नंबर बी होगा FE। क्वेश्चन नंबर 38 है, अवायवीय श्वसन के दौरान माइटोकांड्रिया में प्रवेश करने वाला सब्सट्रेट है। आंसर नंबर डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर है 39, एथिलीन एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। आंसर नंबर सी द राइट आंसर, पराक्सीसोम में। क्वेश्चन नंबर 40 है, जड़ से प्रारोह तक जल की ऊपर की ओर गति को जाना जाता है। आंसर नंबर उसका ए, रसारोहण के रूप में। क्वेश्चन नंबर जो है 41 है, अवशोषित और संचित खाद्य सामग्री को पौधे के एक भाग से पौधे के दूसरे भाग में स्थानांतरित करने को किस रूप में जाना जाता है। आंसर नंबर वी, स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 42 है, लाइकोपिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जिसके अलग किया जाता है इससे अलग टमाटर से। क्वेश्चन नंबर 43 है, पौधे में वृद्धि मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ऑक्जीनोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44 है, पौधे में बोनेपन किसके साथ उपचार करके नियंत्रित किया जा सकता है। आंसर नंबर होगा इसका ए, जिब्रेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 45 है, केले का कृत्रिम पकवान किसके अनुप्रयोग से प्रेरित होता है। इसका आंसर नंबर ए, एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 46 है, फाइटोकोमा भाग लेता है। आंसर नंबर उसका दीपकालिता में। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में राइबो फ्लेमिंग स्थित होता है। आंसर नंबर उसका थायलेकाइड्स के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, लिकोप्लास्ट प्लास्टिड होता है, ये रंगहीन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 49 है, जब किसी कोशिका को हाइपरटोनिक सेल्यूलोसन में रखा जाता है तो कोशिका प्रदर्शित करती है। आंसर द्रव्य कुशन। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 50 है, अपनी गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थ के कणों की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति कहलाती है, विसरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, शुद्ध जल का जल विभेद होता है। आंसर नंबर सी, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भूमि में उपस्थित पानी की कुल मात्रा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए, फोलाड। क्वेश्चन नंबर 53 है, जाइलम में ट्रैकिक बैसिलस और जाइलम पैरेकाइना होता है जिसमें से पहले 2 मीटे दीवारों के निक्षेपण के कारण होता है। इसका जिस किसी भाई को आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 44 है, दीपकालिता की घटना की खोज की थी। आंसर नंबर इसका डी होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 55 है, मूलदाब शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। ये आंसर नंबर होगा सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 56 है,
तरल के रूप में पौधों के जीवित उत्कों में पानी की हानि के रूप में जाना जाता है। ये बिंदु सुराव क्वेश्चन 57 है। दो विशिष्ट एपिडर्मल कोशिका से घिरे अंडाकार आकार के छोटे छोटे छिद्रों को जाना जाता है। आंसर नंबर इसका इधर राइट आंसर होगा। दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। यहाँ पे वीडियो को हर सेमेस्टर से संबंधित वीडियो को अपलोड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है। पोषक तत्वों की अनिवार्यता का मापदंड किसके द्वारा दिया गया? ये एर्नन और स्टूट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 है। पुराने पत्ते पूरी तरह से पीले हो जाते हैं और गिर जाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन तेजी से गति करता है पुरानी पत्तियों से। आंसर नंबर सी इधर राइट आंसर होगा, नवीनतम पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 60। निम्नलिखित में से कौन सा गंध हरित अमीनो अम्ल है? आंसर नंबर इसका डी होगा। दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।